हेलो गाइस एंड वेलकम टू द इंस्टेंट रिव्यू। दोबारा का डे 7 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आउट हो चुका है और यही इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि इसने सिर्फ डे 7 में 30 लाख रुपीस की कमाई करी है। और जब से लाइगर मूवी आई है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है, तो उसके बाद तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारी जगह से रुक गया। तो यही इसका डे 7 तक का इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। जो क्रिटिक है उन्होंने लाइफ टाइम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यही बोल दिया है। डे 7 तक जो इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा है वो करा है 4.74 करोड़। तो ये हार्डली लोग कह रहे हैं, हार्डली क्रिटिक्स कह रही है कि ये 5 करोड़ टच कर सकती है। और देखो कल संडे है तो 30-40 लाख तो का संडे को कमा लेगी, तो हार्डली समझ लो 5 करोड़ भी टच कर लिया, तो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं करने वाली। तापसी पन्नू की ख्वाहिश भी पूरी होगी, बॉयकॉट जो कह रहे थे कि दोबारा मूवी को कर देना, तो बॉयकॉट दोबारा मूवी हो चुकी है। और साथ में बॉलीवुड का ट्रेंड लेके चला है ये भी मूवी, क्योंकि यार ये भी फ्लॉप हो गई। इतनी मूवीज़ रिलीज हुई हैं इस बार जो 2022 में, हार्डली यार 1 से 2 मूवी चली होंगी, यार हार्डली 1 मूवी मेरे हिसाब से 1 से 2 मूवी, 2 मूवी से ज़्यादा तो कोई नहीं चली यार। यार क्या हो रहा है, मतलब आजकल लोग बॉलीवुड की मूवी नहीं देख सकते। राइगर मूवी का डिस्पाइट ऑफ गेटिंग नेगेटिव रिव्यूज इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा हिंदी बेल्ट में भी, तो यार साउथ मूवी का तो कुछ अलग ही क्रेज है आजकल। तो इसमें आपका क्या ठीक है, आपको कैसा लगा दोबारा मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।